नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। महागठबंधन में हो गया सीट बंटवारा। बीते दिन महागठबंधन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा था, वहीं अब सीट बंटवारे को पूरी तरीके से सुलझा दिया गया है, जिसके तहत बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 144 पर राष्ट्रीय जनता दल, 70 पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी। लेफ्ट पार्टियों में CBM को 4 सीटें, CBI को 6 सीटें, CPI माले को 19 सीटें दी गई है। VIP को राजद को अपने कोटे से सीट देनी थी, लेकिन सीट शेयरिंग से असंतुष्ट मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे, क्योंकि मुकेश सहनी 25 सीटों की मांग कर रहे थे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आयकर विभाग की सब पर है पैनी नजर। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही आयकर विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विभाग के पास एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लगातार बनी हुई है, जहां से चुनाव में खपाने के लिए पैसे की सर्वाधिक इस्तेमाल की आशंका है। इसके अलावा निजी वाहन, खासतौर से बाहर के नंबर वाली गाड़ियों पर भी नजर बनाई जा रही है। विभाग सहित अन्य विभागों के प्रवर्तन दलों के भी संपर्क में है। सबसे ज्यादा सतर्कता राजधानी पटना को लेकर देखी गई है। चुनाव में पैसा का दुरुपयोग या सीमा से अधिक प्रयोग किए जाने को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। आयकर विभाग सहित विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो गई है। अभी यह शिकंजा और कसने की तैयारी हो रही है। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 186,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 983 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़कर 186,690 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 20, अरवल में 15, औरंगाबाद में 35, बांका में 15, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 35, भोजपुर में 15, बक्सर में 26, दरभंगा में 14, पूर्वी चंपारण में 31, गया में 22, गोपालगंज में 30, जमुई में 12, जहानाबाद में 21, कटिहार में 25, खगड़िया में 5, किशनगंज में 17, लखीसराय में 19, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 32, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 33, नालंदा में 20, नवादा में 13, पटना में 207, पूर्णिया में 51, रोहतास में 27, सहरसा में 24, समस्तीपुर में 13, सारण में 13, शेखपुरा में 11, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 16, सुपौल में 38, वैशाली में 16, पश्चिम चंपारण में 33। वहीं ठीक होने वाले की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 173,795 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 912 लोगों की जान जा चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स के पैनल ने किया बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स के पैनलिस्ट ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत एम्स डॉक्टरों के पैनल ने इस पूरे गुत्थी को सुलझा दिया है। इस पैनल ने इस बात का खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान खुद ली है। इसमें किसी को भी शामिल होने की आशंका नहीं है। इस पैनल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जान नहीं गई थी, बल्कि यह उन्होंने खुद किया था। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के बाद एम्स की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है। मीडिया हाउस के मुताबिक डॉक्टरों के पैनल ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किसी तीसरे के शामिल होने की थ्योरी को पूरी तरीके से नकार दिया है। चिराग ने ट्विटर पर फोटो शेयर करके दिए संकेत। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में जारी घमासान के बीच सांसद और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ट्वीट करके गठबंधन के साथ रहने के संकेत दे दिए हैं। चिराग पासवान ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर डाली है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा के लिए हर कीमत पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू करके रहूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। माना जा रहा है कि इस ट्वीट से चिराग ने बिल्कुल साफ संकेत दे दिए हैं कि उनकी पार्टी बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन केंद्र में भाजपा के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा। इस ट्वीट में चिराग ने यह बताने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी बिहार के लिए काम कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार देश में होने जा रहा है यह काम। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक और नया काम होने जा रहा है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक ट्रांसजेंडर को पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाएगा। उस ट्रांसजेंडर का नाम है मोनिका दास। मोनिका देश की पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने मतदान कार्य के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। आपको बता दें, पटना निवासी मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर है और पटना विश्वविद्यालय में लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट। मोनिका दास सौंदर्य प्रतियोगिता में फेस ऑफ पटना में भी रह चुकी है। वर्तमान में यह कैनरा बैंक की ऑफिसर है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण सिंह की। महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रधानमंत्री और प्रधान मुख्य मंत्री थे। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानी और उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी आजीवन साथ में। उनके मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला और सामाजिक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्हें आजाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला खाद्य कारखाना सिंदरी और बरौनी रासायनिक खाद्य कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना भारी उद्योग निगम, साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो में भी उन्होंने काम करवाया है। उनके
शासन काल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था भी बनाया था। सड़क नहीं रहने से ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। नेताओं के बड़े बड़े वादों के अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी कोई जीतने के लिए विकास का वादा करता है तो कभी कोई कुछ विकास कार्य को दिखाकर दोबारा जीतने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा ही एक नजारा किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के बड़चौंदी पंचायत क्षेत्र मिरी भाटी गांव में देखने को मिला, जहां पर लोग विकास के नाम पर त्राही त्राही कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि गांव यहां तक कि लोग जाने वाली मुख्य सड़क का काम ठीक से नहीं हुआ है। बिहार के मुख्य सड़क में जगह जगह इस कदर से बरसात का पानी भर गया है कि आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। लोग अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझते भी रहते हैं और यही बरसात की तो स्थानीय लोगों का ऐसा समय में जीना मुहाल हो जाता है और यही कारण है कि नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई गई है। सीट शेयरिंग से नाराज चल रहे वीआईपी ने महागठबंधन का छोड़ा साथ। सीट शेयरिंग के ऐलान के साथ ही महागठबंधन में फूट आ गई है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ा समाज में होने के कारण राजद ने धोखा दिया है, पिछड़ा वर्ग के लोग राजद को इस चुनाव में इसका जवाब देंगे। दरअसल शनिवार की शाम को पटना के बौरिया होटल में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बताया कि कांग्रेस राज्य 144 और वाम दलों की पार्टी 29 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। विकासशील इंसान पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के लिए सीटों का ऐलान नहीं होने से नाराज मुकेश सहनी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस नेता चंद्रभूषण कुशवाहा सैकड़ों समर्थकों के साथ जदयू में हुए। गया टिकारी मुख्य सड़क मार्ग पर कुजाप गांव में जदयू कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन करवाया गया था। इस दौरान कांग्रेस के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण कुशवाहा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए। जदयू के युवा प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अभय कुशवाहा के नेतृत्व में उन्हें सदस्यता दिलवाई गई है। इस दौरान जदयू में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जदयू में शामिल होने वाले चंद्रभूषण कुशवाहा ने कहा कि वो 20 साल से कांग्रेस में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, लेकिन कांग्रेस में समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। नीतीश कुमार के विकास कार्यों को देखते हुए जदयू में वे शामिल हुए हैं। तेज प्रताप यादव हुए बेहोश। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की तबीयत खराब हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव अपने आवास पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। वहां मौजूदा कार्यकर्ताओं के बीच खलबली मच गई। आनन फानन में एम्बुलेंस और डॉक्टरों को फोन करके बुलाया गया था। इसी बीच तेज प्रताप यादव के भाई तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी वहां पहुंच चुके थे, हालांकि उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। भाजपा के नेताओं को फिर दिल्ली किया गया तलब। जदयू भाजपा के बीच सीट के बंटवारे पर जारी गतिरोध के बीच भाजपा के आलाकमान अपने नेताओं को दिल्ली तलब कर चुके हैं। भाजपा के दो प्रमुख नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन देर शाम भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। चार्टर प्लेन से दोनों नेता दिल्ली रवाना हुए थे। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की बैठक होगी। उसी बैठक में समझौते पर आखिरी फैसला किया जाएगा। इससे पहले जदयू और भाजपा के नेताओं के बीच लगभग 4 घंटे तक लगातार बेनतीजा बात चली। एनएलसी ने ग्रेजुएट और टेक्नीशियन ऑपरेटर्स के 500 से ज्यादा पदों पर निकाली रिक्तियां। अगर आप भी लंबे समय से जॉब का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए भर्तियां निकाली है, जिसके तहत कुल 500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री लेना होगा। टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित फील्ड में डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार इस बात का ध्यान दें कि एनएलसी अप्रेंटिस ऑनलाइन आवेदन के लिए www.nlcindia.com पर जाकर दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को सक्रिय हुए आवेदन के लिए 10 नवंबर 2020 तक आवेदन करना होगा। काफी दिनों बाद 24 घंटे में 1000 से कम मामले आए सामने। बिहार में शनिवार को कोविड-19 के 983 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, कई महीनों से बिहार में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने में आई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,20,128 नमूनों की जांच भी की जा चुकी है। इस तरह प्रदेश में अब तक 75,06,649 नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार राज्य में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की दर 92.82% पहुंच गई है।
भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से बिहार और कर्नाटक में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम की स्वीकृति दे दी गई है। भाजपा की तरफ से कोसी स्नातक से एनके यादव, पटना शिक्षक के नवल किशोर यादव, दरभंगा शिक्षक के सुरेश रॉय, तिरहुत शिक्षक से नरेंद्र सिंह और सारण शिक्षक से चंद्रवास सिंह, बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने भी बीते दिन 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नीरज कुमार ने पहले अक्टूबर में भी इसी सत्र में नामांकन पत्र दाखिल किया था। रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ने से संसदीय बोर्ड की बैठक टली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जिसके बाद शनिवार के शाम होने वाली लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक को टाल दिया गया है। लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने इसकी जानकारी दी है। अब यह बैठक रविवार को संभावित है एनडीए में बने रहने और चुनाव में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर निर्णय लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान ने यह बैठक बुलाई थी। हालांकि बैठक को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी स्थिति साफ नहीं हुई है। वहीं वो लगातार जदयू पर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। पार्टी नेताओं ने हर तरह से निर्णय लेने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। इसी बीच महागठबंधन का सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया है। तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया एक और करारा झटका। उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही अपनी अलग पार्टी बना ली हो, मगर उनकी पार्टी के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को एक और झटका दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रालोसपा बसपा गठबंधन के तुरंत बाद शनिवार को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद राजद में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। बसपा के लिए इससे बड़ा नुकसान माना जाता है। भरत बिंद अति पिछड़ी जाति से आते हैं और साल 2012 से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। साल 2015 का चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट पर भभुआ में करवाया था। इस बार उनके राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने की संभावना है। इससे पहले रालोसपा के मनोज कुमार भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाकपा माले ने जारी कर दी 19 सीटों की सूची। महागठबंधन में विधानसभा चुनाव सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिसमें भाकपा माले की 19 सीटें तय कर दी गई हैं। शनिवार के शाम पार्टी की तरफ से चुनाव के लिए सीटों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पार्टी के महासचिव कुणाल ने बताया है कि 4 अक्टूबर को पार्टी के बिहार राज्य कमेटी की मीटिंग का आयोजन करवाया जाएगा। पटना में होने वाली मीटिंग में महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य इस मीटिंग में मूल रूप से अपने कोटे की सीटों और प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मोहर लगाएंगे, जिसके तहत भाकपा माले को मिली सीटों में तरारी, अगियांव, आरा, डुमराव, दरौली, जीरादेई, दरौंदा, बलरामपुर, पालीगंज, फुलवारी शरीफ, कराकाट, अरवल, घोषी, सिकटा, भोरे, वारिसनगर, कल्याणपुर, औराई, दीघा का नाम शामिल है। जदयू ने किसी के बहकावे में नहीं आने की कही बात। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के वोट में सेंध मारने को रोकने के लिए पिछड़े नेताओं को आगे किया है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए मशहूर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा कार्ड मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत अति पिछड़ा वर्ग में आने वाले सांसदों और विधायकों को आगे लाकर इन वर्गों को दिया जाएगा। इसके तहत कटिहार से सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, जहानाबाद सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी, मंत्री मदन सहनी और साथ ही नेताओं को आगे जदयू अति पिछड़ा से अपील की है कि वो किसी भी बहकावे में ना आए, एक बार फिर से नीतीश कुमार को चुने। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को कई लाभ दिए हैं। महागठबंधन का सीट शेयरिंग ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। महागठबंधन के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो बिहार में लोगों का मान सम्मान करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता बदहाल और परेशान है। राज्य में डबल इंजन की सरकार ने परेशानी बढ़ा रखी है। राजद नेता ने कहा है कि हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करेंगे और मेरा डीएनए भी शुद्ध है। आपको बता दें 2015 के चुनाव में डीएनए एक बड़ा मुद्दा बन गया था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि जदयू और भाजपा की सरकार ने बिहार की जनता को अपमानित किया है। कोविड-19 के माहौल में उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, इसे अब सब लोग याद रख रहे हैं। एनडीए में सीट के बंटवारे पर मैराथन बैठक हुई पूरी। एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर जारी असमंजस की स्थिति को दूर करने की कवायद शनिवार को दिनभर चली। एनडीए के दोनों प्रमुख दल जदयू भाजपा की कोर कमेटी के नेताओं ने सीटों के बंटवारे को लेकर विस्तार से बातचीत की। इसके बाद जदयू नेता अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी बैठक कर चुके हैं। सूत्रों के माने तो 225 से अधिक सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। महज गिनती की और 2 दर्जन सीटें बची हुई हैं, जिनके बाद दोनों तरफ से पूर्व दावे किए जा रहे हैं और इन पर फैसला होना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि रविवार को एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। सीट के बंटवारे के मसले पर एनडीए के घटक दलों से बातचीत करने के लिए भाजपा की तरफ से अधिकृत नेता बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।
हाथरस मामले के खिलाफ पप्पू यादव ने लिया अनोखा रूप। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को अनोखा विरोध किया। पटना स्थित अपने आवास पर वो हाथरस में जंजीर पहने और आंखों में काली पट्टी बांधे नजर आए। पप्पू के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस प्रोटेस्ट में शामिल दिखाई दिए। हाथरस में हुए वाकया के बाद पप्पू यादव ने इसे विरोध का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को भी निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं से दलितों के खिलाफ अपनी चिंता जाहिर की है। पप्पू यादव ने कहा कि इस देश में लोकतंत्र के चारों व्यवस्थाएं घबराई हुई हैं। उच्च न्यायालय की निगरानी में हाथरस मामले की जांच हो गई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी राजधर्म का पालन करते हुए योगी सरकार को बर्खास्त करने की बात कही है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी किताब अनफिनिश्ड का पहला लुक किया साझा। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लॉकडाउन में खाली समय का पूरा उपयोग किया है। कुछ समय पहले ही पीसी ने अपने बायोग्राफी के बारे में कहा था, पिछले कई महीनों से प्रयास के तौर पर काम कर रही हैं। इस किताब का टाइटल अनफिनिश्ड रखा गया है। प्रियंका का कहना है कि इस किताब को लिखने में उनके लिए आसान नहीं था। इस किताब का कवर पेज सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। किताब के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस से इस बारे में बात की थी। मैं जानती हूं कि पिछले 20 साल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मैं जुड़ी हुई हूं और यह मेरी बायोग्राफी के लिए बेहतर समय है और इसके टाइटल का अधूरा नाम दिया गया है क्योंकि इसे खत्म करने में मुझे 2 साल लगे। गूगल के मुकाबले दोगुनी है एप्पल के ऐप स्टोर से कमाई। डाटा प्राइवेसी को लेकर मचे बवाल के बीच ऐप स्टोर से मामले में एकाधिकार की बात ने कई बहस छेड़ दी है, जिसके तहत इसी महीने गूगल ने गैम्बलिंग की बात करते हुए पेटीएम को प्ले स्टोर से हटा दिया था। हालांकि 24 घंटे के अंदर प्ले स्टोर पर उसे वापस ला दिया गया था। गूगल के फैसले के बाद भारतीय टेक कंपनी और डेवलपर्स ने उनकी खूब आलोचना की थी। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर किसी न किसी बात को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल को ऐप स्टोर से 2020 की तीसरी तिमाही में $19 बिलियन की कमाई हुई है, जबकि इस अवधि में गूगल प्ले स्टोर से $10.3 बिलियन ही रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो एप्पल को ऐप स्टोर में होने वाली कमाई गूगल के प्ले स्टोर से होने वाली कमाई से तकरीबन दोगुनी है। बेंगलुरु में 8 विकेट से राजस्थान को दी मात। विराट कोहली और युवा देवदत्त पड्डीकल के शानदार अर्धशतक की मदद से आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट में हरा दिया। पड्डीकल 63 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं कोहली नाबाद रहे। आईपीएल 2020 में पहला अर्धशतक है। आपको बता दें राजस्थान में 155 रनों का लक्ष्य आरसीबी के सामने रखा था। बेंगलुरु ने 2 विकेट के नुकसान पर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। आरसीबी की टीम का पहला 25 रन के योग पर गिरा था, जो पड्डीकल का यह तीसरा अर्धशतक है। कोहली और पड्डीकल ने राजस्थान में हरे गेंदबाज सूझबूझ के साथ और चालाकी से सामना किया और आखिर में अर्धशतक जमाकर टीम बेंगलुरु के लिए जीत सुनिश्चित कर ली। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर में 5500 रन भी पूरे कर लिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जितेंद्र कुमार, अरुण कुमार, कुंदन न्यूज, विशाल भान सिंह, मुस्कान चौधरी यादव, आनंद कुमार, अनीश यादव, चंचल सिंह, मंतोष कुमार, अमित यादव, ललित कुमार, भीमदेव, चिंटू यादव, अजय कुमार, सिंटू कुमार, सुरेंद्र पंडित, विवेक कुमार, पवन कुमार, प्रियांशु कुमार, रिया तिवारी, रणधीर चौहान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार लोजपा को एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहना चाहिए या अलग होकर 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूले, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।